वालेकुम बच्चों, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज मैं एक्सरसाइज 6.4 में कुछ मजीद क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से एक दो पार्ट्स में और दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर भी जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे, एक दो पार्ट मैंने इससे पहले भी दिखाए आपको, एक और पार्ट दिखाएंगे। वेट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 51.84। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो इस तरह के नंबर्स होंगे इनमें इंटेग्रल पार्ट की जो पेयरिंग है वो हम वन्स प्ले से करते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, उसकी पेयरिंग हम टेंथ प्ले से करते हैं। तो यहां हम सीधे वन से पेयरिंग करेंगे और यहां से इधर से पेयरिंग करेंगे। अब देखिए, जो 51 है इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या है? 51 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट है 7, बिकॉज 7 स्क्वायर इज 49। देखिए 8 से करेंगे, 8 स्क्वायर हो गई 64, वो ज्यादा पड़ जाएगा। तो 7 स्क्वायर इज 49, सब्ट्रैक्ट करिए, 11 माइनस 9 इज 2, यहां बचेंगे 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो अब आप यहां से ये जो पेयर है 84, इसको आप डाउन कर देंगे, इसको नीचे लाइए, लेकिन चूंकि ये डेसिमल के राइट साइड में, पहले आप इधर डेसिमल ले आइए। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, जैसे कि आपने इससे पहले भी किया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 = 40। अब इधर 284 का जो 1 प्लेस का डिजिट वो 4 है, लिहाजा इसके स्क्वायर रूट का जो 1 प्लेस का डिजिट है वो क्या होगा? वो या तो 2 होगा, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, ओके, या होगा 8, बिकॉज 8 इज 64। तो या तो हम यहां पर 2 से करेंगे या 4 से करेंगे, चले पहले सॉरी 2 या 8 से। तो पहले यहां पर हम 2 से देखते हैं क्या होगा। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए आप इस 2 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 = 4, फिर इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 = 8 और 2 1 = 2, बिल्कुल वहां से आंसर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2। ठीक है, इसमें मजीद दो पार्ट से वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेटा, आपने इससे पहले देखा है किसी नंबर को हम, जो खुद परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसको हम कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ डिवाइड करके उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट और एड करके कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है 402। देखिए जो 402 है ना, क्योंकि इसका वन्स प्लेस का डिजिट 2 है, लिहाजा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमें बताएं इस 402 को हम क्या डिवाइड कर देंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए बिल्कुल हम वही करेंगे जो भी हमने किया, पहले पेयरिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम वन्स प्लेस। तो ये हमारे पास एक पेयर आएगी 0 2 और 4 अकेली रह जाएगी। अब जो 4 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर 2 बनेगा, 2 2 = 4, 4 माइनस 4 0 हो गए। अब यहां से पेयर आप नीचे लाइए 0 2, देखिए सिर्फ एक डिजिट नहीं लाना है बल्कि दो डिजिट लाने हैं, एक पेयर लानी है नीचे 0 2। अब बेटा आप इस 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 2 = 4, 2 2 = 4। देखिए मैं क्या करूंगा, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 = 0, 0 4 = 0, तो वहां क्या आएगा, वहां आएगा आंसर 2। तो रिमाइंडर निकला 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये जो रिमाइंडर 2 निकला, यही 2 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 402 से, जो यहां पर रिमाइंडर आएगा ना, यही 2 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे, 402 से, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 402 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां क्या निकलेगा, वहां निकलेगा 400, ठीक है ना। ऑल्सो न्यू नंबर फॉर्मेट, अब देखेंगे नया नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर फॉर्मेट, शाबाश, जरा 402 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 402 माइनस 2 वो बनेगा 400, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400, अब वो बिल्कुल नहीं निकालना है आपको, बना हुआ है यहां पर, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 20, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। ठीक है, एक दो पार्ट में मजीद दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओ। सेकंड पार्ट है 1989, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसको ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा पेयरिंग करेंगे वन प्लेस से, ये एक पेयर बनेगी और ये 19 एक पेयर बनेगी। अब 19 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो क्या है, शाबाश, वो 4 है, बिकॉज 5 अगर करेंगे वो 25 बन जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 सी हो, 4 जार 16, 19 माइनस 16 हो गए 3, ठीक है ना। अब इस पेयर को आप डाउन कर दीजिए 8 9 को, तो बनेगा 389। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 4 8, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब ये 8 है तो यहां पर हमें देखना है क्या बनेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हमें 389 से छोटा कोई नंबर बनाना होगा, 389 से बड़ा नहीं बना सकते। तो बेटा अगर मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए बनेगा 2 2 4 2 8 16, वो तो कम पट जाएगा, 164 ही बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रायल मेथड से करना है, आप करिए 3 लेंगे यहां पर, 3 3 9 3 8 24, वो बनेगा 249, ये भी कम पट जाएगा। लेट्स 4 से करेंगे, 4 4 16 कैरी आ गए, 1 4 8 32 और 1 हो गए 33, ठीक है। 336 से भी कम पट जाता है, अगर 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 5 25 कैरी आ गए, 2 5 8 40 और 2 हो गए 42, तो वो ज्यादा हो जाएगा। देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 425, तो वो ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा 4 से ही करेंगे दोबारा, ट्रायल मेथड से है। देखिए 4 और 4 मल्टीप्लाई करिए, 4 4 16 कैरी आ गए 1, 4 8 32, 32 और 1 हो गए 33, सब्ट्रैक्ट करिए, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 8 माइनस 3 इज 5। तो इसका मतलब हो गया, हम 1989 को सब्ट्रैक करेंगे 53, तो तब ये क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो देयरफॉर वी सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा जब 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया नंबर बनेगा ना, अब देखेंगे नया नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर फॉर्मड इज, देखिए नया नंबर जो बनेगा 1989 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 53, वहां एक नया नंबर बनेगा, क्या बनेगा जरा देखिए आप, 9 माइनस 3 इज 6, 8 माइनस 5 इज 3, तो बनेगा 1936। और जो 1936 है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 44, ये वाला 44। दोबारा से इसको करने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो घर पर, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा 1936 का, वो बनेगा 44। एक और पार्ट दिखाएंगे फिर आगे आप खुद करेंगे, 825 इसमें एक और पार्ट है, 825। तो देखिए पहले पेयरिंग करेंगे वन प्लेस से, 25 एक अलग रहेगा, 25 एक पेयर और 8 रहेगा। अब 8 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट है 2, बिकॉज 2 2 4, 3 3 9, तो ज्यादा हो जाएगा 2 2 4, 8 माइनस 4 इज 4, यहां से आप पेयर डाउन कर दीजिए, 25 को डाउन कर दीजिए, बनेगा 425। और अब इस 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 8, ठीक है। तो अब किससे होगा, देखिए अगर 8 से करेंगे, 8 यहां भी लिखेंगे, 8 8 64 कैरी आ गई 6, 8 8 64 और 6 हो गई 70, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 से नहीं करेंगे, थोड़ा डाउन किसी नंबर से करेंगे। 5 से अगर करेंगे, 5 5 25 कैरी आ गई 2, 5 8 40 और 2 हो गई 42, तो ये तो बन गया 425। तो बेटा जो 825 को अगर हम करेंगे किससे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो बनेगा 425। एक मिनट है रिया, तो ये हमने स्टार्ट में ही गलत कर दिया, ठीक है ना, इसलिए यहां पर ये गलत आंसर आ गया। जैसे मैं पहले ही कह रहा था, यहां आपने 2 लिखा तो यहां पर भी 2 ही लिखना है, 2 2 4 लिखना है, ठीक है ना, या तो लिखेंगे 3 3 9, लेकिन 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, हमने गलत कर दिया। जो मैं अभी से कह रहा था कि जो डिजिट आपको यहां लिखना है वही यहां पर भी लिखना है, सो 2 2 4, 8 माइनस 4 इज 4, और यहां से आप 25 को डाउन कर दीजिए। तो बेटा आप इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 2 4, ठीक है ना,
देखो अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे अब ये क्या बनेगा, 5 आर 25, कैरी आ गए 2, 5 आर 20 और 2 हो गए 22, वो बनेगा 225, तो वो बहुत कम पड़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो लिहाजा इससे बड़े किसी नंबर से करेंगे, फॉर एग्जांपल 8 से करेंगे, 8 आर 64, कैरी आ गए 6, 8 आर 32, 32 और 6 हो गए 38, क्या बनेगा, 5 - 4 इज 1, तो ये बनेगा 12 - 8 इज 4, तो यही 41 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 825 से। सो वी सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 41, और जो नया नंबर बनेगा ना वो आप खुद देखेंगे, अब नया नंबर जो बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 28, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसमें हमें देखना है कि ऐड क्या करेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। हाँ तो बेटा आप देखेंगे व्हाट शुड बी एडेड टू ए नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, और हमें जो नया नंबर बनेगा उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 525 एक नंबर, अब बताएं इस 525 को क्या ऐड कर देंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी हम पेयरिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम वन प्लेस और ये 5 अलग रहेगा। अब बेटा जो 5 है इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट है 2, 2 टूज आर 4, 5 - 4 इज 1, अब यहां से आप पेयर कर दीजिए डाउन 25, शाबाश। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 टूज आर 4। अब देखिए यहां पर अभी हमने देखना है कोई ऐसा नंबर जो 125 से ज्यादा आ जाए, अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा यहां जो नंबर बनता तो इससे छोटा कोई नंबर बनाते थे, लेकिन इस बार आपको चूंकि ऐड करना है तो आपको 125 से बड़ा कोई नंबर बनाना है। देखिए अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 - 4 = 16, कैरी आ गई 1, 4 - 4 = 16 और 1 हो गई 17, ये बनेगा 176, ठीक है। तो ये तो 125 से ज्यादा आ गया ना, जरा अगर 3 से देखेंगे तो 3 से क्या होगा, 3 से होगा 3 - 3 = 9, 3 - 4 = 12, 129 भी 125 से बड़ा है, लेकिन ये 125 के बाद इमीडिएटली बड़ा है। अब अगर देखिए 2 से करेंगे आपको 125 से छोटा नंबर मिलेगा, वो आपको नहीं लेना है। देखिए अगर आप यहां 2 से करेंगे 2 - 3 = 6, 2 - 4 = 8, 86 बन जाएगा, 86 125 से छोटा है, तो आपको इस वक्त छोटा नंबर नहीं लेना है, आपको 125 से जो इमीडिएटली बड़ा होगा वो लेना है। तो बहरहाल मैंने 3 से कर दिया, 3 - 3 = 9, 3 - 4 = 12, ये बन गया 129, और 129 125 के बाद इमीडिएटली बड़ा नंबर है, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक करना है, लेकिन नीचे से ऊपर, नीचे बड़े जो ऊपर वाला नंबर है उसी को सब्ट्रैक करेंगे नीचे वाले नंबर से, बड़े नंबर से सब्ट्रैक करेंगे छोटा नंबर, 9 - 5 = 4, ठीक है। हाँ तो यही 4, देखिए यहां से मैंने 129 से सब्ट्रैक्ट कर दिया 125, तो यहां निकला 4, यही 4 हम ऐड कर देंगे, लेट्स ऐड दिस 4, ये जो बेटा 4 मिला ना यहां पर, ये 4 हम ऐड कर देंगे इस वक्त, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो यही 4 हम ऐड कर देंगे 525 को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस वक्त ये 4 जो है हम ऐड कर देंगे, सो वी ऐड 4 to 525 to make it a perfect square. अब बेटा जो नया नंबर बनेगा ना, देखिए नया नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर फॉर्मड इज, न्यू नंबर फॉर्मड इज 525 को ऐड करेंगे 4, तो नया नंबर बनेगा 529, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस न्यू नंबर 529, दैट विल बी दिस 23, आप ये खुद चेक कर सकते हैं 529 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 23, ये आप खुद करेंगे। इसी तरह फिर दूसरा पार्ट है इसमें 1750,
1750 दूसरा नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें बताना इसको ऐड क्या कर देंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले पेयरिंग करेंगे, देखिए 17 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो 4, 4 4 जार 16, 17 माइनस 16 इज 1। अब आप पेयर डाउन कर दीजिए 50 को, इसको डाउन कर दीजिए, बन गया 150। अब इट इज 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 जार 8। अब देखेंगे 150 के फौरन बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है। शाबाश, देखिए अगर 5 से करेंगे, 5 जार 25 कैरी आ गए 2, 5 8 40 और 2 हो गए 42, तो बहरहाल बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 से करना ज्यादा हो जाएगा, हम 2 से कर देंगे। 2 2 4, 2 8 60। देखिए बिल्कुल जो 150 के फौरन बाद जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, दैट इज 164, सॉरी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नहीं है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 150 के फौरन बाद जो यहां नंबर बनेगा जो स्क्वायर बनाने से, 2 2 4, 2 8 16, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये। अब नीचे जो ऊपर वाला नंबर है आप सब्ट्रैक्ट करिए नीचे वाले नंबर से, देखिए 4 - 0 इज 4 एंड 6 - 5 इज 1, तो यहां रिमाइंडर आ गया 14, यही 14 हम ऐड कर देंगे यहां पर। सो वी एड 14 टू 1750 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा ये 14। अब देखिए ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ऑल्सो न्यू नंबर फॉर्मूलेज, जब आप ऐड करेंगे 14 तो नया नंबर बनेगा, क्या बनेगा नया नंबर, 1750 को ऐड कर दीजिए 14, देखिए क्या बनेगा, 4 + 0 इज 4, 1 + 5 इज 6, सो इट इज 1764। अब देखिए 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो 42 आएगा, देखिए आप कर भी सकते हैं, 4 4 = 16, 17 - 16 इज 1, यहां से 64 नीचे आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 8 बनेगा, अब डेफिनेटली इसको 2 से ही होगा, 2 2 = 4, 2 8 = 16, तो इसका स्क्वायर रूट बन गया 42। ये आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू दिस 42। ठीक है, तो इसमें मजीद कुछ पार्ट से ये आप खुद करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। वस्सलाम।